नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप शो में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। खोरीगांव विरोध प्रदर्शन के बीच बारिश में तोड़े गए मकान, कई स्थानीय और सामाजिक कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। राजद्रोह कानून पर मुख्य न्यायाधीश का अहम सवाल, पूछा आजादी के 75 साल बाद भी है इसकी जरूरत। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 41,806 नए मामले, 581 मरीजों की मौत। आज यानी गुरुवार को तड़के सुबह ही खोरीगांव में हलचल शुरू हो गई। स्थानीय लोग अपने आशियाने को बचाने के लिए एकत्र होकर गांव के मुख्य सड़क पर बैठ गए और अपना विरोध जताने लगे। उनका विरोध प्रदर्शन पुलिस द्वारा खोरीगांव में बुधवार से शुरू हुआ घरों को तोड़ने के अभियान के खिलाफ था। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने विरोध में शामिल लोगों को बलपूर्वक हटाया और साथ ही गांव की 2 महिलाओं सहित अन्य 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। मिल रही जानकारी के मुताबिक सभी को सूरजकुंड थाने ले जाया गया। टूट रहे घरों के आसपास लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं। रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया वालों ने पुलिस पर उन्हें धमकाने, उनके फोन कैमरा बंद करने के भी आरोप लगाए हैं। देखिए खोरीगांव से न्यूज क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। पूछ रहा है आज आपसे हिंदुस्तान, पूछ रहा है आपसे हिंदुस्तान, कहां गया आपका मोदी जी वो बयान, जहां झुग्गी वहीं मकान। ना देखो दिल्ली, ना देखो हरियाणा, ना देखो दिल्ली, ना देखो हरियाणा, ना देखो हिंदू, ना देखो मुसलमान। मोदी जी आपसे एक ही विनती है, बचा लो हमारे झुग्गी और मकान। छः सौ कुछ घर कल टूटे हैं। टूटने के बाद से जितने माँ बहनें हैं, बच्चे हैं, सब उस जंगल में झोपड़ी के नीचे पड़े हुए हैं। वो झोपड़ी भी नहीं डाल पा रहे हैं, आशियाना उनका उजड़ चुका है। पब्लिक के लिए तो यहाँ हर तरह से ही मजबूरी और एक कहना कि कोड़ी कोड़ी जोड़ करके पब्लिक ने यहाँ एक अपनी खोली बनाई थी, झुग्गी बनाई थी, झोपड़ी बनाई थी। लेकिन यहाँ जिस तरह से हो रहा है, तोड़ फोड़ के नाम पर जो है पब्लिक को भी मारा जा रहा है। आज मकान टूट रहा था, मैं वहाँ पे गई थी। मोदी जी कर रहम करो, हमारे मकान न तोड़ो, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। उतने में लाठी चार्ज कर दिए, सबको पकड़ पकड़ के ले, गर्दन पकड़ के लाठी मार रहे थे। मुझे भी एक लाठी पैर पर लग गया और जेंट्स पुलिस पकड़ करके उधर घिसेट के मेरे को बेहोश हो गई। उधर पहचान पत्र बना था, कोटे से मोहर लगाना, तब सरकार के ना देखा था, हैं? तब ना देखा था। आज सरकार ने गांव का प्रॉपर्टी बेचा, यहाँ का बेचा, न घर के रहेगा, न घाट के रहेगा। ये सरकार कहती है कि नारी का सम्मान करो, आप देखिए कि किस तरीके से नारी बिलख बिलख के रो रही है, 6 महीने के, 1 साल के, 3 साल के बच्चों को गोद में लेकर के वो माम अपने ममता को छाती में सटा करके बेघर होकर के। जो सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन बेटियों को देखिए कि किस तरीके से तितर बितर होकर के जंगल में बैठी हुई हैं, जिनका आशियाना बिखर चुका है। टूटने के बाद में जो पब्लिक वहीं का है, जिनका मकान टूटा है, उनको कह रहे हैं यहाँ से जाओ। अब ये हमें सरकार भी बताए कि हम जाए कहाँ, यहाँ से तोड़ तो दिए, हम इनका हर चीज़ का स्वागत करें, मगर ये तोड़ करके भी बोल रहे हैं जाओ यहाँ से, मगर कहाँ जाए। अभी छत पर चढ़े हुए हैं तो छत पर से कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम धक्का दे देंगे तुम्हें, नहीं तो नीचे उतर जाओ। ये क्या बात हुई? राजद्रोह कानून यानी सेडिशन लॉ की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली पूर्व सैन्य अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते समय सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि यह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा आजादी की लड़ाई के समय विद्रोह की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक आदि के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। क्या आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिक की तरफ से राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है। सीजीआई ने कहा कि इन धाराओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मेजर जनरल एसजी वॉम बटकरे
की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया कि राजद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124A पूरी तरह असंवैधानिक है, इसे खत्म कर देना चाहिए। याचिकाकर्ता की दलील है कि सरकार के प्रति असंतोष जैसी चीजों की संवैधानिक रूप से अस्पष्ट परिभाषाओं पर आधारित यह कानून अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर एक अनुचित प्रतिबंध लगाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार यानी 15 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41,806 नए मामले दर्ज किए गए हैं, 581 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 39,130 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 2,095 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,09,87,880 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,11,989 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.27% यानी 3,01,43,850 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1.39% यानी 4,32,041 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 39,13,40,491 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 34,97,058 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।